हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका रुम्बा, योर एसएसटी टीचर एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू एसएसटी ऑफ क्लास थ्री सो टुडे आवर टॉपिक इज द यूनिवर्स सो आज हम यानी कि हमारे ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स उनके ही बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है यानी कि आप सब लोग अर्थ में क्योंकि अर्थ में रहते हो अर्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट एंड ना वेयर लाइफ एग्जिस्ट तो ये जो हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ अर्थ ही नहीं है है ना पृथ्वी ने ही इसे छोड़ के और भी चीज़ है और वो क्या क्या है है ना एंड हाउ मेनी प्लानट्स आर देयर एंड अपार्ट फ्रॉम प्लानट्स हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है वो सब हम आज के क्लास में देखेंगे ठीक है so, सो हमारा टॉपिक क्या है द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स को हम कि क्या, क्या बोलते हैं हिंदी में ब्रह्मांड ठीक है तो वही हम आज के क्लास में पढ़ेंगे सो so, नाउ वी विल मूव टूवॉर्ड्स दी ओवर व्यू ऑफ़ द लेसन यानी कि ओवर व्यू ऑफ द लेसन यानि कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है द यूनिवर्स इसके अंडर हम क्या क्या पढ़ेंगे ठीक है तो इसके अंडर आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी कि किस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड जो है किस तरीके से आविष्कार हुआ किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ वो देखेंगे और उसके बाद द मिल्की वे गैलेक्सी तो ये जो वर्ड जो है द मिल्की वे गैलेक्सी एक्चुअली क्या है ठीक है क्या है मिल्की वे गैलेक्सी और इसका मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पर है ये सब हम आज के क्लास में देखेंगे ठीक है और उसके बाद हम देखेंगे द सोलर सिस्टम क्या है सोलर सिस्टम है ना क्योंकि दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल सोलार सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी ये जो भी हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में ये जो न्यू वर्ड है आप सब के लिए तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है द सोलार सिस्टम क्या है हमारे यूनिवर्स में वो हम देखेंगे और डिफरेंट प्लैनेट्स अब प्लानिट्स सिर्फ ही नहीं है को छोड़ के और भी ज़्यादा प्लान्स हमारे यूनिवर्स में देखने को मिलता है तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स क्या क्या है वो देखेंगे और सेटेलाइट सेटेलाइट और सेटेलाइट क्या है ठीक है वो भी देखेंगे एंड सेटेलाइट जो है कितने प्रकार के होते हैं क्योंकि सेटेलाइट जो है सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं तो वो क्या क्या है एंड सेटेलाइट कहाँ कहाँ पर होता है वो भी हम देखेंगे सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लानिटेरी मूवमेंट्स सो प्लानिटेरी मूवमेंट्स क्या है है ना प्लानिटेरी मूवमेंट क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिटेरी मूवमेंट्स और प्लानिटेरी मूवमेंट्स जो है कितने प्रकार के हैं? है ना और ये जो कितने प्रकार के जो प्लानिटेरी मूवमेंट्स जो है एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है वो भी हम देखेंगे आज के क्लास में और हमारा टॉपिक है द यूनिवर्स यानी कि ये जो हमने अभी आप लोग को बताया ये सब हमारा सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर ही है द यूनिवर्स एक ही वर्ड नहीं है क्योंकि जब हम यूनिवर्स के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारा चीज जो है हमें देखने को मिलता है एंड कितने वर्ड तो ऐसा भी होता है कि आप लोग आप लोग या फिर हम लोग ने कभी भी सुना भी नहीं है है ना तो उसमें से आज हम ये किस तरीके से ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है इसका मीनिंग क्या है है ना और हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है है ना और उसके बाद सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम क्या है एक्चुअली वो देखेंगे और डिफरेंट प्लैनेट्स यानी कि हम सब लोग प्लैनेट अर्थ में ही रहते हैं सबको पता है कि हम अर्थ में ही रहते हैं पर अर्थ को छोड़ के और भी ज्यादा प्लैनेट्स है तो वो प्लैनेट्स क्या क्या है नाम क्या है और उनका स्पेसिफिक फीचर्स क्या है जैसे कि हमारा अर्थ जो है अर्थ का भी एक स्पेसिफिक फीचर्स है क्या क्या है ना और कहाता है वो हम देखेंगे एंड लास्ट वॉट द लीस्ट प्लानिटेरी मूवमेंट्स यानी कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिटेरी मूवमेंट्स और प्लानिटेरी मूवमेंट्स क्या क्या है वो हम तो ये है हमारा इमेज यूनिवर्स का ठीक है देखने में तो कितना छोटा दिख रहा है ये तो आप सिर्फ एक पैनल में ही, ही है ना तो आप लोग के बुक में तो इससे भी बहुत छोटा दिखता है एना? एक्चुअल में ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है हमारे सोच के मुताबिक भी बहुत बड़ा है है ना और ब्रह्मांड जो है हमारा कुछ इस प्रकार का ही दिखता है ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन व्हाट इज यूनिवर्स सो व्हाट इज अ यूनिवर्स इंट्रोडक्शन द सन द मून द स्टार्स द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सिस मेक ऑफ द यूनिवर्स तो हमने यहाँ पर द सन सन बोला है इसका मतलब सन सिर्फ एक ही है है ना एंड द मून मून एक है हमारा अर्थ का एंड स्टार्स यानि कि बहुत सारा स्टार्स एंड प्लानिट्स यानी कि बहुत सारा प्लानिट्स तो गैलेक्सिस है ना तो ये द सन द मून द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स जो है और उसके बाद गैलेक्सीज जो है इन सब मिला के क्या बनता है हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड जो है उसमें क्या है हमारा सन है मून है स्टार्स है से गैलेक्स, है गैलेक्सी से है ना तो इससे हमारा यूनिवर्स बनता है सो so, इन अ सेंस क्या हुआ आ, आ, हमारा यूनिवर्स क्या है टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग क्या है universe? Universe everything. Everything, हमारा यूनिवर्स यूनिवर्स इज द टोटालिटी ऑफ एवरीथिंग यानी कि टोटालिटी ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग यानी कि हमारा सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स यानी कि सन मून स्टार्स प्लैनेट्स और गैलेक्सी यानी कि इन सब को कुल मिला के हमारा क्या बनता है द यूनिवर्स सो यूनिवर्स क्या है द सन द मून द स्टार्स द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सिस मेक अप द यूनिवर्स एंड इट इज द टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग यानी कि सन मून स्टार्स प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीस तो ये रहा हमारा यूनिवर्स का एक छोटा सा इंट्रो ठीक है थो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा यूनिवर्स यानी कि आप लोग को पता चल ही गया हो कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या होता है ना तो ये जो है यूनिवर्स सिर्फ एक वर्ड है पर इसी वर्ड के अंदर हमें बहुत सारा चीज देखने को मिलता है जैसे कि सन मून स्टार्स प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज ओके सुनो इसमें से ही ये जो हमने अभी देखा अभी द सन द मून द स्टार्स वो एक्चुअली क्या है ये ना कुल मिला के हमने अभी आपको बताया कि यूनिवर्स जो है द सन द मून एंड द स्टार्स और उसके बाद गैलेक्सीज जो है कुल मिला के हमारा बनता है यूनिवर्स पर उसके अलावा ये जो हमारा सन है सन मून और स्टार्स जो है हमारा यहाँ पर सन मून, मून एंड स्टार्स को हम क्या भी बोलते हैं एक और वर्ड भी है सन मून एंड स्टार्स को हम एक साथ एक साथ हम क्या बोलते हैं हेवेनली बॉडीज सो द सन द मून एंड द स्टार्स आर टुगेदर कॉल्ड हेवेनली बॉडीज ठीक है so, the sun, the together, समझ में आ गया आप लोग को है ना

ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी कि किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ ठीक है Origin ऑफ द यूनिवर्स तो वैसे तो ये जो हमारा ब्रह्मांड जो है किस तरीके से आविष्कार हुआ इसका तो बहुत ज्यादा थ्योरीज है है ना डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दिया है ना एंड विद पेस ऑफ टाइम बहुत सारे थ्योरी जो है हमें देखने को मिलता है पर उसमें से सबसे जाने वाला और सबसे माने जाने वाला थ्योरी जो है वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी यानी कि इतना सारा थ्योरी जो है जहां पर बताया गया है कि किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड दैट इज यूनिवर्स का आविष्कार हुआ है पर उसमें से सबसे माने जाने वाला थ्योरी क्या है हमारा बिग बैंग थ्योरी नाउ so इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है ठीक है इज अ क्वेश्चन वर्ड इज बिग बैंग थ्योरी तो साइंटिस्ट ने हम लोग को बता दिया कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही हमारा यूनिवर्स का अविष्कार हुआ है पर हम लोग में दिमाग हमारे हम लोग में एक क्वेश्चन रहेगा कि वर्ड इज अग बैंग थ्योरी ठीक है सुनने में तो इतना वर्ड है पर एक्चुअल में आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी है बिग यानी कि बहुत बड़ा ठीक है यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ बिग नो सो बिग का मतलब क्या है बहुत बड़ा बैंग बैंक का मतलब क्या है इज मीनिंग ऑफ बैंग मीनिंग ऑफ बैंक इज क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं हम एक बहुत एक्सप्लोज यानी कि एक बहुत धमाका है ठीक और बहुत बड़ा सा धमाका बिग बैंग यानी क्या हुआ बहुत बड़ा सा धमाका है ना तो इस थ्योरी में क्या हमें देखने देख को देख मिलता है एक बहुत बड़ा सा धमाका पर अब ये बहुत बड़ा सा धमाका क्या है है ना सो बिग बैंग थ्योरी तो बिग बैंग थ्योरी ये है कि ये इस थ्योरी के हिसाब से बिलियन ऑफ इयर्स अगो है ना बहुत बिलियन बिलियन सिर्फ हजार साल या तो फिर एक सौ सा, साल दो सौ साल नहीं हजार साल भी नहीं उससे भी ज्यादा ऑफ इयर्स अगो क्या हुआ था एक बहुत बड़ा सा फायरबॉल जो उनका धमाका हो गया था यानी एक बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा सा धमाका हो गया था यानी एक्सप्लोजन हो गया था तो जब इस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ जब कोई भी चीज फट जाता है एक्सप्लोर होता है तो क्या होता है इसका जो पार्टिकल्स होता है कोई भी, को भी चीज का जो पार्टिकल्स होता है इधर उधर हो जाता है ना आप लोग ने देखा ही है कि अगर आपके घर पर या कि जो वॉटर का पाइप जो होता है या फिर जो कुछ भी सामान जो होता है फट जाता है तो क्या होता है इधर उधर हो जाता है है ना तो कुछ इस तरीके से जब ये बिग एक्सप्लोजन हुआ यानी कि बहुत बड़ा सा धमाका हुआ फायरबॉल का तो इनका जो पार्टिकल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट डिलेक्शन्स में फैल गए ठीक है एंड टाइम के अनुसार क्या हुआ एक बहुत बड़ा सा धमाका होने के बाद टाइम के अनुसार है ना धीरे धीरे कूल डाउन होते चला गया है ना और ये जो डाउन cool होने के बाद क्या हुआ धीरे धीरे हमारा ये जो प्लानट्स स्टार्स है ना और डिफरेंट गैलेक्सीज ये सब हमारा बन गया है ना तो ये है थ्योरी हमारा दैट इज द बिग बैंग थ्योरी तो बिग बैंग के थ्योरी की मदद से हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स का ऑरिजिन हुआ किस तरीके से हमारा यूनिवर्स बन गया था यानी कि क्या है हमारा बिग बैंग थ्योरी जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक आग गोला जो है बहुत बड़ा सा धमाका होने के बाद इसका जो पार्टिकल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट डरेक्शन्स में फैल गया था एंड विद द पेस ऑफ टाइम टाइम के हिसाब से कूल डाउन होते चला गया एंड पार्टिकल जो है बड़ा छोटा है ना वो अलग अलग पार्ट में जो था और उसके बाद वो वही पार्टिकल जो है धीरे धीरे हमारा जो स्टार्स एंड ये जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानट्स एंड गैलेक्सीज ये सब बन गए सो दिस इज आवर बिग बैंग थ्योरी बिग का मतलब क्या है बहुत बड़ा बैंग यानी कि धमाका यानी कि इस थ्योरी में हमने क्या देखा एक बहुत बड़ा सा धमाका जिसके वजह से हमारा यूनिवर्स जो है वो बना है ठीक है सो नाउ दिस इज दिजिन ऑफ द यूनिवर्स सो नाउ वी विल मूव टू द मिल्की वे गैलेक्सी सो वॉट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी इट इज अ होम ऑफ अ प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम तो क्या है गैलेक्सी गैलेक्सी जो एक घर है हमारा प्लैनेट अर्थ का और सोलर सिस्टम का है ना यानी कि सोलर सिस्टम में हमें बहुत सारा अर्थ के अलावा बहुत सारा प्लैनेट्स भी हमें देखने को मिलता है ठीक है प्लैनेट्स के नाम में सिर्फ अर्थ ही नहीं है और्थ को छोड़ के और भी ज्यादा प्लैनेट्स हमें देखने को मिलता है तो इसीलिए क्या है गैलेक्सी, गैलेक्सी हमारा प्लैनेट अर्थ और उसे छोड़ के और भी ज्यादा प्लैनेट्स जितना भी है ना है न उन सब का घर है एंड मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है इथ कंटेंस अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड बिलियन स्टार तो मिल्की वे गैलेक्सी में हमें कम से कम 200 बिलियन स्टार्स हमें देखने को मिलता है कम से कम तकरीबन 200 बिलियन स्टार्स या 200 हंड्रेड स्टार्स नहीं है टू बिलियन स्टार्स सो ये रहा हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी का और भी एक नाम है और वो है हमारा आकाश गंगा यानी क्या है मिल्की वे का दूसरा नाम आकाश गंगा और मिल्की वे जो है वो कुछ इस प्रकार के ही दिखते हैं ठीक है so, सो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी सो व्हाट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी इट इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम एंड इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड बिलियन स्टार्स एंड मिल्की वे इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा ठीक है तो हमारा ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ही हो गया है ना एंड डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में हमने बिग बैंग थ्योरी जो है सिर्फ हम ही नहीं होल साइंटिस्ट जो है बिग बैंग थ्योरी को बिलीव करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी क्या है वो हमने देखा और उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी है ना तो आफ्टर मिल्की वे गैलेक्सी वी विल मूव टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम तो मिल्की वे गैलेक्सी जब हमने किया तो हमने वहां पर देखा कि मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ प्लानिट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम है ना एंड सोलर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि सिर्फ प्लानिट अर्थ को छोड़ के और भी ज्यादा प्लानिट हम लोग को सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है है you ना know? तो ये जो प्लानिट्स क्या है अब वो देखेंगे हम वन बाय वन करके ठीक है सो सोलर सिस्टम वॉट इज सोलर सिस्टम द सन द एट प्लानिट्स एंड ऑदर हेवेनली बॉडीज टूगेदर फ्रॉम द सोल सिस्टम तो सोलर सिस्टम क्या है सोलर सिस्टम जो है एक्चुअल जो, जो है अर्थ को मिला के कूल मिला के हाउ मेनी प्लान आर देर देर आर एट प्लानिट्स यानी कि कुल मिला के एट प्लानिट्स है और, और भी हेवेनली बॉडीज है ठीक है अब ये हेवेली बॉडीज क्या है वॉट और दिस हेवनली बॉडीज वो भी हम देखेंगे ठीक है अब थोड़ी देर बाद आपको ये हेवनली बॉडीज क्या है और ये किस तरीके से होता है है ना इसका इमेज क्या है आपको हम दिखाएंगे ठीक है और ये जो है सन और एट प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज जो है कुल मिला के हमारा बनता है अवर सोलर सिस्टम तो एट प्लैनेट्स क्या है सबसे पहले हम एट प्लैनेट्स देखेंगे और उसके बाद हम हेवनली बॉडीज देखेंगे ठीक है सो एट प्लैनेट्स क्या है सो आवर एट प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी एम ई आर सी यू आर वाई मर्क्यूरी नंबर टू वेनस वी ई एन यू एस वेनस नंबर थ्री अर्थ ई ए आर टी एच आर जहां पर हम रहते हैं अर्थ नंबर फोर मार्स एम ए आर एस मार्स नंबर फाइव जुपिटर जे यू P I T E R JUPITER number 6 SATURN S A T U R N SATURN number 7 URANUS U R A N U S URANUS number 8 NEPTUNE N E P T U N E NEPTUNE so these are our eight planets that is mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and नेपच्यून ओके सो एट प्लैनेट्स हमने देख लिया सो so, अब हम देखेंगे हेवेनली बॉडीज सो हेवेनली बॉडीज क्या क्या है ठीक है तो हेवेनली बॉडीज में हमें लिखने को मिलता है एस्ट्रॉइड्स ठीक है जो स्पेस में होता है एक्चुअली ये रॉक्स जैसा होता है बट एक्चुअली ये जो है वो अलग ही होता है ठीक है देखने में रॉक्स जैसा होता है पर ये स्पेस में होता है एंड कंप्लीटली हम इसको रॉक्स भी नहीं कह सकते सो दिस so,

तो हमारा एट प्लैनेट्स क्या है मर्क्यूरी वेनस और मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और हमारा हेवेनली बॉडीज है एस्ट्रोइड्स कॉमेट्स एंड मिटियस ओके तो सन यानी कि

Sun. तो दिस इज आवर सन सन तो देखा ही है सपने देखा सन है, है ना गर्मी गर्मी सीजन में यानी कि समर सीजन में तो सब लोग इसी सन से बचते हुए सब लोग अंदर घर के अंदर रहते हो एंड विंटर सीजन में तो क्या होता है इसी सन को ही ढूंढते ढूंढते हम बाहर निकलते हैं है ना क्योंकि सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है है ना एंड नॉट ओनली ह्यूमन ऑल लिविंग यानी कि जितना भी लिविंग बींग्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो स्मॉल इंसेक्ट जो है सब लोग किसके किस में डिपेंड करता है सन यानी कि इसे सन की किरणों में सब लोग डिपेंड होता है है ना तो सन जो है सन है ना एक्चुअली क्या है मेन सोर्स ऑफ लाइट ठीक है मेन सोर्स ऑफ लाइट है हमारा सोलर सिस्टम में ठीक है एंड सन के अलावा कोई भी लाइट जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जैसे कि हमारे अर्थ में सुबह होता है है ना डे होता है तो ये जो दिन जो होता है यानी बहुत उजाला होता है ना दिन में तो ये किससे हुआ है अर्थ से आपसे आप नहीं हुआ है सन के ही वजह से ही हुआ है यानी कि जब भी सन का रिफ्लेक्शन हमारे अर्थ में पड़ता है तब वहाँ पर लाइट होता है क्योंकि सन इज ओनली द सोर्स ऑफ लाइट इन द सोलर सिस्टम और सन को हम क्या भी बोल सकते हैं बिग स्टार बहुत बड़ा स्टार क्योंकि स्टार जो है एक्चुअल में ये छोटा छोटा सा जो फायर का एक टुकड़ा है एक भाग है है ना एज अ होल सन जो है बहुत बड़ा है है ना तो सन को हम बिग स्टार भी बोलते हैं सन इज द Main source of light. तो main source of light जो है वो है हमारा सन यानी कि हमारा सोलर सिस्टम में सन को छोड़ के कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है है ना सो अब सन कहाँ पर होता है और हमारा प्लैनेट्स कहाँ पर होता है वो देखेंगे सन एक्चुअल में ये जो हमारा सोलर सिस्टम जो है सबके बीच में होता है सन ठीक है सबके बीच में होता है जैसे कि वो सबको ये जो हमारा प्लैनेट्स जो है सबको लाइट जो है सन ही देता है और सन जो होता है सोलर सिस्टम में बीच में होता है ठीक है सेंटर में होता है और ये जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स जो है एंड नॉट ओनली मर वेनस इवन अर्थ जहां पर हम रहते हैं सबके सब ये जो सन है सन के आसपास इस तरीके से गोल गोल करके घूमते हैं जिसके अगर मान लीजिए कि ये हमारा सन है ये ना तो ये और जो है अर्थ इस तरीके से और नॉट ओनली अर्थ जितना भी प्लानिट जो है इस तरीके से सन के आसपास इस तरीके से घूमता है एंड सन जो है हमेशा सेंटर में ही होता है इधर उधर मूव नहीं करता है ठीक है तो इसका तो इसमें और एक क्वेश्चन आता है ना यानी कि हम तो सोते हैं है सुबह सुबह जो है सनराइज होता है धूप सन जो होता है वो ईस्ट के तरफ होता है और दिन भर वो मूव करता है मूव करते करते दोपहर को बीच में आता है है ना और फिर मूव करते 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 शाम को ढल जाता है यानी कि सनसेट हो जाता है पर हम तो वहीं पर है है ना तो सन जो है सिर्फ सनराइज होके नून में है ना बीच में आके और उसका सनसेट हो गया पर हम तो वहीं पर है तो तो सन मूव हुआ हम तो अर्थ आ, 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 और ऑर्थ है फिर हम तो मूव नहीं हुए थे ओनली क्या मूव हुआ था ओनली सन ये सोचते हैं ना हम इस तरीके से मूव होते हैं बट एक्चुअल में सन जो है कभी भी मूव नहीं करता है सन हमेशा सेंटर में ही होता है सो इट इज अर्थ अर्थ है क्योंकि अर्थ का ही मूवमेंट होता है जिसके वजह से हमें कैसा दिखता है कि सनराइज हुआ है यानी कि सन मूव कर रहा है है ना सनराइज हो गया और बीच में नून में बीच में आ गया और सनसेट यानी कि ढल गया है ना पर ये एक्चुअल में सन नहीं है एक्चुअल में और मूव हो रहा है इसीलिए हमें क्या लगता है कि सन जो है वो स्काई में मूव कर रहा है है ना और, और एक्चुअल में ये नहीं है तो सन के वजह से ये जो हमारा डे होता है एंड सन के वजह से जितना हीट मिलना है वो हम सबको मिलता है एंड सन जो है वो हमेशा सेंटर में होता है एंड नॉट ओनली अर्थ को जितने भी प्लैनेट्स जो है को लाइट जो है वो सन ही देता है क्योंकि सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन द सोलर सिस्टम ओके तो ये रहा हमारा सन सो so, अब हम लिखेंगे एट प्लैनेट्स तो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देर देर आर एट प्लानिट्स तो एट प्लैनेट्स में सबसे पहला हम देखेंगे मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी जो है देखने में कुछ इस प्रकार के ही है, तो मर्क्यूरी एम ई आर सी यू आर वाई मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी क्या है स्मॉलेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है हमारा मर्क्यूरी एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन यानी यानी सबसे छोटा प्लानिट और सबसे पास में है ना सन के सबसे पास में कौन सा है मर्क्यूरी है ठीक है एंड मर्क्यूरी में लाइफ नहीं होता है यहाँ जहां पर हमें मर्क्यूरी में हमें कोई भी जीव है ना देखने को नहीं मिलता है बट मर्क्यूरी क्या है सबसे छोटा प्लानट है और ऊपर से सन के भी सबसे पास में है उसके बाद हम लिखेंगे venus तो ये है हमारा venus है ना दिखने में कुछ इस प्रकार के ही देखते हैं venus v e n u s venus तो venus क्या है इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार तो venus का हम क्या बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बट क्या है venus तो प्लैनेट है स्टार नहीं है planet ए प्लानेट है ये ना स्टार तो नहीं है पर फिर भी हम venus को क्या बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पर क्यों ये तो प्लेनेट है है ना क्यों क्योंकि वेरस जो है हमारे अर्थ से विजिबल है है ना पर इतना बड़ा सा जो प्लेनेट जो है इस तरीके से विजिबल नहीं होता है किस तरीके से हमें अर्थ से वेरस जो है कुछ इस प्रकार से ही हमें विजिबल होता है यानी कि एक बहुत बड़ा सा स्टार जैसा है ना हमें शाम को भी ना जब शाम होता है तो सबसे पहले हमें वेनस ही देखने को मिलता है और उसके बाद जब सुबह होता है तो सुबह नहीं होता है तब तक हमें वैनस देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से स्काई में ठीक है तो आज आप लोग घर जाके भी देख सकते हैं कि रात में है ना कि सबसे ब्राइट स्टार जो है वो ये हमारा वेनस तो इसलिए हम हम क्या बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार ओके नाउ आफ्टर वेनस अब हम पढ़ेंगे खुद के प्लेनेट दैट इज अर्थ और हम लोग अर्थ में रहते हैं अर्थ थर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम फिफ्थ लार्जेस्ट और लाइफ एग्जिस्ट यानी कि अर्थ जो है तीसरा प्लेनेट है क्योंकि बीच में तो क्या है हमारा सन है और उसमें सबसे पहला प्लेनेट है हमारा मर्क्यूरी उसके बाद वेनस और उसका नंबर थ्री में आता है हमारा अर्थ है ना और साइज के हिसाब से है ना साइज के हिसाब से प्लैनेट्स में अर्थ जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ठीक है साइज के हिसाब से जहां पर हमें लाइफ जो है देखने को मिलता है लाइफ एल आई एफ ई लाइफ एग्जिस्ट यानी कि हमें अर्थ में विभिन्न प्रकार के प्राणी पंछी जो है वो सब हमें पौधे ये सब हमें देखने को मिलता है ना क्योंकि अर्थ में ही लाइफ एग्जिस्ट होता है और किसी और भी प्लैनेट्स में हमें लाइफ जो है देखने को नहीं मिलता है इसकी मर्जी में लाइफ नहीं है वेनस में लाइफ नहीं है पर अर्थ में लाइफ है ठीक है और तो अब हम देखेंगे मार्स ये है हमारा मार्स है ना तो मार्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लानिट तो मार्स को हम रेड प्लानिट भी बोलते हैं ठीक है तो कुछ देखने में रेड रेड देखता है ना है ना मार्स तो हम मार्स को क्यों रेड प्लानिट बोलते हैं क्योंकि मार्स में आयरन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन एंड नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है है ना और ये जो आयरन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होने की वजह से हमें मार्स जो है वो रेड कलर का देखने को मिलता है तो इसलिए हम मार्स को क्या बोलते हैं रेड प्लानिट ठीक है Planet, और रेड प्लैनेट कैसा हुआ मार्स क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें देखने को मिलता है उन सब में आयरन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन एंड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है तो इसलिए मार्स हमेशा रेड कलर का ही देखते हैं तो इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं एंड आफ्टर मार्स विल टॉक द जुपिटर तो ये हमारा जुपिटर है ना जे यू पी आई टी ई आर जुपिटर बिगेस्ट प्लान ऑफ द सोलर सिस्टम यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लान क्या है हमारा जुपिटर और स्मॉलेस्ट मार्कि बड़ा प्लान क्या है जुपिटर उसके बाद हमारा सैथ्रॉन एस ए टी यू आर एन सैथ्रॉन तो ये हमारा सैथ्रॉन है ना तो सैथ्रॉन क्या है इट इज ऑल्सो कॉल रिंग्ड प्लान तो सैटर्न को हम क्या बोलते हैं रिंगड प्लैनेट भी बोलते हैं रिंग यानी कि गोल सा है ना पर गोल गोल सा जो हम हाथ में पहनते हैं है ना तो रिंगड प्लैनेट अब हम क्यों बोलते हैं ठीक है क्योंकि ये जो हमारा सैटर्न प्लैनेट जो है उसके आसपास आप लोग देख रहे हैं ना कुछ रिंग जैसा ही है यहाँ पर तो इस रिंग जैसा होने की वजह से ही हम सैटर्न को रिंग प्लैनेट बोलते जो हमने मरकरी वेंस अर्थ मार्स जुपिटर कोई भी प्लान में ऐसा नहीं है सिर्फ सैटर्न में है तो इसलिए हम सैटर्न को रिंग प्लानिट बोलते हैं सो so, ये ये रिंग रिंग में क्या है actually, actually ये जो जो है, एक्चुअली? एक्चुअली जो जो इसमें क्या क्या है और किस चीजों से ये हमारा रिंग बना है वो हम देखेंगे द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस पीसेस एंड डस्ट तो इस रिंग में हमें बहुत सारा आइस पीसेस एंड डस्ट जो है हमें देखने को मिलता है ना, है ना डस्ट यानी कि धूल जो है हमें देखने को मिलता है। और ये जो रिंग जो है इसमें हमें व्हाइट कलर का स्पॉट भी हमें देखने को मिलता है जब हम पास में देखते हैं डिटेल्स में सैट्रॉन है ना उसमें इस रिंग में हमें व्हाइट कलर का पैचेस भी देखने को मिलता है सो तो ये व्हाइट पैचेस क्या है एक्चुअल में पावरफुल स्ट्रॉम यानी कि बहुत एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉम जो है जिसके वजह से हमें सेट्रॉन में ये जो रिंग जो है उसमें व्हाइट कलर का हमें देखने को मिलता है ठीक है सो आफ्टर सैट्रॉन नाउविल टॉक अबाउट दी यूरेनस सो ये हमारा यूरेनस है ना तो यू आर ए एन यू एस यूरेनस अपियस ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू कोल्ड गैसेस प्रेजेंट इन इट. यूरेनस जो है हमें ब्लू ग्रीन कलर का ब्लू और ग्रीन जो जो मिक्सरन होता है, इस तरीके से हमें यूरेनस जो है देखने को मिलता है पर क्यों? क्यों ब्लू और ग्रीन कलर का है क्योंकि इसमें कोल्ड गैसेस जो है प्रेजेंट है यूरेनस में तो इसीलिए हमें यूरेनस जो है ब्लू ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है ठीक है सो आफ्टर यूरेनस अब हम बात करेंगे अवर लास्ट प्लान एट प्लान में से लास्ट प्लान वो है हमारा नेपचून ई पी टी यू ई नेपच्यून तो ये हमारा नेपच्यून और नेपच्चून क्या है फादेस्ट प्लान फ्रॉम द सन तो नेपच्यून जो है सबसे दूर है सन से है ना यानी सबसे पास में क्या है मर्क्यूरी और सबसे दूर प्लान जो है सन से वो है हमारा नेपचून तो ये रहा हमारा एट प्लैनेट्स जिसके बारे में हमने वन बाय वन करके डिस्कस कर लिया है ना तो सन क्या है इट इज बिगेस्ट स्टार है ना एंड एंड इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन आवर सोलर सिस्टम ये जो एट प्लैनेट्स प्लैनेट्स में डिफरेंट भी हमने देख लिया स्मॉलेस्ट है स्मालेस्टरी एंड लार्जेस्ट है जुपिटर रिंग है हमारा सैटर्न और सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट जो होता है वो सिर्फ अर्थ में ही होता है है ना ये हमने देख लिया तो अब हम देखेंगे

सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है और ये जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है ना उसे ही हम बोलते हैं सैटेलाइट्स ठीक है जैसे कि जैसे कि बीच में हमारा क्या है सन है है ना और सन के आसपास हमें बहुत सारा प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए हम देखते हैं है ना बहुत सारा प्लैनेट जो है इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए देखते हैं पर ये जो प्लैनेट जो है इस तरह हम रिवॉल्व करते देखते हैं ना सन के आसपास और ये जो प्लैनेट जो है प्लैनेट के भी आसपास एक छोटा छोटा सा हेवेली बॉडीज जो होता है है ना कई प्लैनेट में 15 होता है या फिर कहीं प्लेनेट में 2 3 1 है ना इस तरीके से होता है छोटा-छोटा प्लेनेट्स के आसपास ऐसा होता है और ये जो होता है ये अब प्लेनेट्स के आसपास इस तरीके से घूमता है रिवॉल्व होता है है ना यहाँ पर होता है तो इस तरीके से प्लेनेट के आसपास रिवॉल्व होता है और हमारे अर्थ में शिव एक ही है हेवनली जिसे हम सेलेइट बोलते हैं वो क्या है ठीक है वो है हमारा मून ठीक है क्या है हमारा मून तो मून जो है वो रिवॉल्व होता है यानी कि जो, जो है क्योंकि हमने बताया ना आप सब लोग को सेटेलाइट क्या है स्मॉल बॉडीज इन अ सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट इसका सेटेलाइट यानी कि ये हमारा मून जो है वो क्या है हमारा सेटेलाइट है अर्थ का तो अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है यानी कि एक सेटेलाइट है ना पर अर्थ को छोड़ के और भी हैं एंड प्लान्स में कि कोई प्लान में फिफ्टीन है कोई प्लान्स में सेवन है किसी में थ्री है पर अर्थ में सिर्फ एक ही है यानी कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही सेटेलाइट है ठीक है और ये जो सेटेलाइट जो है वो है नेचुरल यानी कि मून जो है कोई भी इंसान ने नहीं बनाया है ये क्या है एक नेचुरल है सो मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ठीक है सो सेटेलाइट दो जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक रहा नेचुरल सेटेलाइट ठीक है और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या है दूसरा हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर्टिफिशियल यानी कि इंसानों ने बनाया है जैसे कि हम फोन यूज करते हैं हम लैपटॉप यूज करते हैं है ना किसी को कॉल करते हैं हम तो इंटरनेट यूज करते हैं और उसके बाद हम रेडियो में या फिर टीवी में न्यूज चैनल जो है ब्रॉडकास्ट होता है किसके मदद से यही सैटेलाइट के ही वजह से और सेटेलाइट जो होता है ये ह्यूमन से बनाया है और स्पेस में होता है और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है ठीक है तो ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो सैटेलाइट जो है वो दो प्रकार के एक रहा नेचुरल जो है हमारा मून और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे हम जैसे कि हम किसी को संपर्क करते हैं फोन करके है ना या फिर वीडियो कॉल करके या फिर कंप्यूटर्स यूज करते हम लैपटॉप इंटरनेट यूज करते ये सब साथ सैटेलाइट के वजह से पॉसिबल हुआ है ठीक है तो सैटेलाइट अब हम बात करेंगे प्लैनेटरी मूवमेंट प्लैनेटरी मूवमेंट की प्लानिट देखिए यहां पर प्लानिटेरी मूवमेंट पी एल एन ई टी प्लानिट देखा ना तो हमारा का जो प्लानिटरी मूवमेंट जो है उसके बारे में ठीक है तो सैटेलाइट तो दो प्रकार के एक रहा नेचुरल और एक रहा आर्टिफिशियल तो प्लानिटरी मूवमेंट जो है यानी कि हमारा अर्थ का वो भी दो ही प्रकार के है एक रहा रोटेशन और दूसरा है हमारा रिवोल्यूशन तो प्लान यानी कि प्लानिट तो यहाँ पर हम प्लान के मूवमेंट के बारे में बात करें और जिस तरीके से सैटेलाइट हमारा दो प्रकार का है इसी तरीके से प्लानिटरी मूवमेंट जो है वो भी दो ही प्रकार के है एक रहा रोटेशन और दूसरा रहा रिवोल्यूशन तो रोटेशन क्या है रोटेशन जो है अर्थ जो है सिर्फ एक ही जगह पे मूव होता है है ना जैसे कि ये सपोज मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है तो सिर्फ एक ही जगह पे मूव होता है ना उसे हम बोलते हैं रोटेशन और इसी रोटेशन की वजह से हमारा अर्थ में क्या होता है डे एंड नाइट होता है ठीक है दिन और रात होता है क्योंकि ये अर्थ जो है अपने प्लेस में मूव होता है एंड यहाँ पर सन जो है बीच में सेंटर में है ना तो जब अर्थ का एक भाग सन की तरफ मुड़ जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा लाइट आता है तो तब बनता है हमारा डे और उसके बाद फिर रोटेशन होते 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 एक भाग जो है अंधेरा होता है है ना तो ये है हमारा नाइट और फिर से नाइट जो है रोटेट होते होते सन के तरफ होता है तो फिर से दिन बन जाता है ने ने तो यही रहा है हमारा रोटेशन एंड रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और दूसरा प्लेनेट मूवमेंट है हमारा रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन यानी कि बीच में सन होता है एंड और तो रोटेशन तो होता है अपने ही प्लेस में डे एंड नाइट तो होता ही है अपने प्लेस में रोटेट तो करता है पर खुद से रोटेट करते करते भी सन के चारों तरफ भी वो मूव करता है जिससे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन ठीक है एंड रोटेशन से हुआ हमारा डे एंड नाइट एंड रिवल्यूशन से हुआ हमारा चेंज इन द सीजन यानी कि रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ सीजन में चेंजेस हमें देखने को मिलता है अगर सन के पास में है अर्थ तो क्या होता है समर सीजन यानी कि बहुत गर्मी होता है समर सीजन अगर दूर है तो क्या होता है विंटर सीजन है ना या फिर ठीक या ठीक डिस्टेंस में है तो हमें ऑटम स्प्रिंग सीजन हमें देखने को मिलता है तो इससे ही यानी कि रिवोल्यूशन के वजह से हमें चेंज इन द सीजन यानी कि अर्थ में है ना ये सीजन चेंजेस होता है डिफरेंट डिफरेंट मौसम हमें देखने को मिलता है ये सब रिवोल्यूशन के वजह से हुआ है और हमेशा दिन रात दिन रात किसकी वजह से हुआ है रोटेशन के वजह से सो दिस आर आवर प्लानिटरी मूवमेंट्स तो हमारा ब्रह्मांड यानी कि द यूनिवर्स में हमने आज क्या क्या सीखा ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स मिल्की वे गैलेक्सी सोलर सिस्टम डिफरेंट प्लैनेट्स एंड यूनिवर्सिवे मूवमेंट्स यानी कि ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में हमने क्या देखा बहुत सारे थ्योरी से और बहुत ज्यादा थ्योरी बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही हमारा यूनिवर्स का आविष्कार हुआ ऑरिजिन हुआ वो हमने देखा एंड मिल्की वे गैलेक्सी में हमने क्या देखा मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश आकाशगंगा की बोलते हैं एंड इट इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट एंड द सोलर सिस्टम ये देखा हमने एंड सोलर सिस्टम यानी कि क्या है सोलर सिस्टम में हमारा सन है ना एंड हेवीली बॉडीज एंड स्टार्स एंड मून प्लैनेट्स ये सब कुल मिलाकर हमारा बनता है सोलर सिस्टम वो हमने देखा एंड डिफरेंट प्लैनेट्स प्लैनेट्स क्या होता है एट प्लैनेट्स है हमारे हमारा है ना जैसे कि मरक्यूरी वेंस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और उसके बाद हमने सेटेलाइट देखा सेटेलाइट दो प्रकार के होते हैं एक रहा नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सेटेलाइट में हमारा मून एंड आर्टिफिशियल यानी कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं किसे संपर्क करते हैं, तो वही सेटेलाइट की वजह से पॉसिबल हुआ है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या देखा प्लानरी मूवमेंट्स एंड प्लानिटरी मूवमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से हमारा दिन और रात हमें देखने को मिलता है एंड रिवोल्यूशन की वजह से ये जो ठंडा सीजन या फिर गर्मी का सीजन ऑटम सीजन स्प्रिंग सीजन डिफरेंट सीजन जो होता है उस उसका जो चेंजेस जो होता है वो हमें रिवोल्यूशन के वजह से हमें देखने को मिलता है ठीक है सो नाउ विद दिस कम टू द एंड ऑफ अर टॉपिक दैट इज द यूनिवर्स तो इससे हमारे जो टॉपिक जो है द यूनिवर्स कंप्लीट तो होता है और आप लोग भी ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा ठीक है ओके दे थैंक यू स्टूडेंट्स